लिए वो थोड़ा वीडियो करप्ट हो गया था, नेक्स्ट सेशन में डाल दिया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। हमको दिया इफ एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड देन एस एस क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू इज हाउ मच। ओके, हम कितना कहते हैं एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड दिया है, तो हम इसको इससे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। तो जो ये जो फॉर्म है एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल जीरो, हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड इक्वल टू जीरो। हमको पता है अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो होता है तो एस एस क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इसका वैल्यू कितना होता है ना, थ्री एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो, तो हमको क्या पूछा है एस एस क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू वैल्यू क्या होगा ना, थ्री इंटू एक्स इंटू माइनस वाई इंटू माइनस जेड। तो आंसर क्या होगा, थ्री एक्स वाई जेड। तो आंसर इसका क्या होगा, थ्री एक्स वाई जेड, नहीं तो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इफ ए प्लस वन बाई बी इक्वल टू ए, बी प्लस वन बाई सी इक्वल टू वन, देन सी प्लस वन बाई ए। सेम क्वेश्चन में आपको जो लॉजिक बताया था पिछले बने में, मीन्स ए प्लस वन बाई बी इक्वल टू वन है, अब बी का वैल्यू यहाँ पे टू पुट किए, ए का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, वन बाई टू। सिमिलरली सी का वैल्यू आपको माइनस वन मिल जाएगा, तो हमको पूछा है सी प्लस वन बाई ए इसका वैल्यू पूछा है, तो माइनस वन प्लस टू आंसर क्या होगा, वन इसका करेक्ट आंसर है। सेम क्वेश्चन लॉजिक यहाँ पे लगा लीजिए। ओके आंसर, इफ एस स्क्वायर प्लस वन बाई एस स्क्वायर इक्वल टू 98 देन एस एस क्यू प्लस वन बाई एस एस क्यू क्या होगा। हमको पूछा है, दिया है एस स्क्वायर प्लस वन बाई एस स्क्वायर इक्वल टू 98। ओके, दैट इम्प्लाइज हमको मिलेगा, सॉरी हमको मिलेगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू हमको क्या मिलेगा ना, मिलेगा 98 प्लस टू का रूट ओवर, दैट इज 100 का रूट ओवर, दैट इज 10। ओके, तो हमको पूछा है एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 10 है, तो एस एस क्यू प्लस वन बाई एस एस क्यू का क्या वैल्यू होगा ना, 10 का क्यू माइनस 3 इंटू 10, दैट इज 1000 माइनस 30, दैट इज इक्वल आंसर 970 का करेक्ट आंसर है। ओके इफ ए प्लस वन बाई इक्वल टू माइनस टू देन ए टू दर 1000 प्लस वन बाई माइनस 1000 का वैल्यू क्या होगा, बहुत ईजी है। हमको दिया है ए प्लस वन बाई ए का वैल्यू हमको माइनस टू दिया है, अगर मैं ए का वैल्यू यहाँ पे माइनस वन पुट करूँगा तो देखिए आंसर हो रहा है माइनस वन इक्वल टू माइनस टू, मीन्स कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया। बस मैं माइनस वन 1000 प्लस इसको लिख सकता है माइनस वन 1000। देखिए माइनस वन का जो पावर होता है कितना, वन होता है, प्लस ए वन बाई वन होगा, आंसर क्या होगा, टू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टू। ओके एक सेकेंड, नेक्स्ट एक सेकेंड भाई, थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए थोड़ा आपको डिस्टर्ब होगा, टेंशन मत लीजिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। द वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशंस एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बाई सी प्लस ए प्लस एक्स प्लस सी प्लस टू बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आप चाहें इस क्वेश्चन को आप एक्स का वैल्यू यहाँ पे उठा के भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, पुट मान लो पुट ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू वन सी इक्वल टू वन। ओके, क्यों ये पुट किया, अगर मैं ऐसा पुट करूँगा एक्स का वैल्यू मुझे कुछ मिल जाएगा एंड यहाँ पे ए बी सी का स्टोर मिल दिया है, मैं ऑप्शन में पुट करके पता चल जो पता लगा लूँगा कि एक्स का वैल्यू कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ऊपर कितना होगा ना, एक्स प्लस वन प्लस टू बाई टू मीन्स एक्स प्लस थ्री बाई टू। सिमिलरली ए भी होगा एक्स प्लस थ्री बाई टू, ए भी होगा एक्स प्लस थ्री बाई टू, तो मैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो मेरा ऊपर में मेरा बचेगा क्या है, यहाँ पे मेरा बचेगा थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, तो थ्री एक्स इक्वल टू माइनस नाइन, तो एक्स का वैल्यू मुझे कितना मिल गया माइनस थ्री। अभी मैं जो ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे लिया हूँ इस ऑप्शन में मैं पुट करके देखूँगा मुझे माइनस थ्री कहाँ पे मिलता है, माइनस थ्री मिलता है नहीं, माइनस थ्री मिलता है नहीं, यहाँ पे वन वन टू माइनस थ्री मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसको चेक करके देख सकते हैं। ओके चलिए, जितना भी क्वेश्चन हो सकेंगे हम ट्राई करेंगे करने के लिए, चिंता मत कीजिए। ओके, एंड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए, ए सी डी एस का जैट का क्वेश्चन है 2013 का।
इफ पी क्यू आर इक्वल टू वन है देन वैल्यू ऑफ वन बाई पी वन बाई वन प्लस पी प्लस क्यू का माइनस वन प्लस वन बाई क्यू प्लस आर बार माइनस इस क्वेश्चन का आंसर कितना सेकंड में आप करेंगे, बट इस क्वेश्चन का आंसर वन सेकंड है अगर आपका ट्रिक पता होगा तो। अभी इस क्वेश्चन का ट्रिक पता होगा, देखिए जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा मीन्स वन बाई वन प्लस ए टू दोबार पी बाई बी टू दोबार पी आपका जो भी यहाँ पे दिया उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्लस एस यहाँ पे होगा पी टू दोबार समथिंग एक्स सपोज यू क्यू टू इस टाइप का फॉर्मेट में आएगा तो जो भी आपका आंसर यहाँ पे पी कंडीशन दिया होगा आंसर ऑलवेज क्या होता है वन आप ट्राई करके इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू वन क्यू का वैल्यू वन आर का वैल्यू वन पुट करके भी आप कर सकते हैं इसको, आप जैसे भी स्कोर कर सकते हैं आपका आंसर वन ही आएगा। मैं यहाँ पे वन प्लस वन जो भी आप करेंगे यहाँ पे थ्री रहेगा यहाँ पे भी आपका वन बाई थ्री हो जाएगा यहाँ पे वन बाई थ्री तो आंसर क्या होगा वन आप ट्राई करके देख सकते हैं। बट आपका जब भी ऐसा वन बाई वन प्लस एक्स टू द्वार ए बाई एक्स टू द्वार बी प्लस एक्स टू द्वार सी बाई एक्स टू द्वार डी प्लस वन बाई वन प्लस एक्स टू द्वार एन बाई एक्स टू द्वार एम इसका वैल्यू पूछेगा आँख बंद करके आंसर ऑलवेज वन होता है अभी भी फॉर्मेट में आएगा तो क्वेश्चन ओके कंडीशन जो भी दिया हो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कैट 2015 का क्वेश्चन है ओके। इफ ए एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी हैज एक्स प्लस टू एज ए फैक्टर्स एंड लीव्स ए रिमाइंडर फोर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू देन वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू जीरो मीन्स सॉरी देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी कितना होगा इसको आप सॉल्व करेंगे एंड इसका ए एस स्क्यू प्लस बी एस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी हैज एक्स प्लस टू एज ए फैक्टर्स ओके तो इक्वल टू जीरो। अगर x प्लस टू इसका फैक्टर है अगर मैं x इक्वल टू माइनस टू पुट करूंगा तो कंडीशन मेरा सेटिस्फाई होना चाहिए मीन्स हमको जीरो मिलना चाहिए ओके इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे x प्लस टू मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर जीरो है यहाँ पे कुछ रिमाइंडर नहीं दे रहा है बट सेकंड में रिमाइंडर फोर दे रहा है तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा x इक्वल माइनस टू पुट करूँगा तो कितना होगा माइनस एट है ये हो जाएगा फोर बी ये हो जाएगा माइनस टू माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला माइनस एट है प्लस फोर बी माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगर मैं फोर कॉमन ले जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा नहीं यहाँ पे मिलेगा माइनस टू ए प्लस बी माइनस टू इक्वल टू जीरो मीन्स यहाँ पे मुझे मिला माइनस टू ए प्लस बी माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू टू है अगर मैं माइनस बी कॉमन ले जाऊंगा तो मुझे कितना टू ए माइनस बी इक्वल टू माइनस टू मिल जाएगा ओके। सिमिलरली एक मुझे इक्वेशन मिल गया वन टू ए माइनस बी इक्वल टू मुझे मिल गया माइनस टू। सिमिलरली दूसरे में क्या दिया है क्वेश्चन पढ़िए लीव से रिमाइंडर फोर व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू मीन्स एक्स माइनस टू अगर फैक्टर है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा टू होगा बस। अभी रिमाइंडर कितना दे रहा है फोर तो यहाँ पे उसी इक्वेशन में हमको ए एस एस क्यू प्लस बी एस एस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी इक्वल टू कितना है रिमाइंडर फोर अगर मैं एक्स का वैल्यू टू पुट करूँगा तो पुट